चलो तुम एमआरएफ के ही शेयर्स एक्वायर करना चाह रहे हो, लेट सपोज बच्चों आज तुम्हारे पास एमआरएफ के 100 शेयर्स हैं, तो तुम एमआरएफ के 100 शेयर्स मात्र 100 शेयर्स होल्ड करते हो मात्र, जिसमें एक शेयर की कीमत है मात्र 80,000। तो अगर इस कंपनी के सिर्फ 100 शेयर्स तुम्हारे पास हैं तो उन 100 शेयर्स की वर्थ कितनी है? 80 लाख। तो लेट सपोज आपके पास 100 शेयर्स हैं एमआरएफ के एंड एक शेयर की वैल्यू है 80,000 और आज कंपनी लेकर के आ रही है 1:1 का बोनस इश्यू कि कंपनी आपको एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में देगी, तो आपकी ओवरऑल वेल्थ कितनी से बढ़ जाएगी? फ्री में एक शेयर मिल रहा है, बताओ जी वेल्थ कितने से बढ़ जाएगी? कितने बच्चे कह रहे जीरो? कितने कह रहे नहीं सर कुछ तो वेल्थ बढ़नी चाहिए? वो ठीक है वो उसको हाँ जी कैसे गिनो उसके बताओ। हाँ बिल्कुल, तो जो फ्री में मिला वो तो फायदा ही फायदा है ना। चलो नहीं बिल्कुल वाजिब सवाल है, ध्यान रखना बच्चों आज कंपनी 1:1 का बोनस इशू लाई है, तो जैसे ही बच्चों ये बोनस इशू इंप्लीमेंट हो जाएगा क्या मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस 80,000 ही रहेगा? नहीं, क्योंकि पहले मार्केट में कंपनी के लेट से जितने भी शेयर थे 1 करोड़ शेयर 80,000 के थे, पर एकदम से मार्केट में बच्चों 1 करोड़ शेयर की नई सप्लाई आ जाएगी जिनकी वैल्यू जीरो है। तो इसलिए बच्चों जब मार्केट में फाइनली वो नया शेयर आएगा कंपनी का, जो मार्केट में नया प्राइस निकल के आएगा वो हो जाएगा उसका वेटेड एवरेज, दैट इज एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों इस एग्जांपल में 40,000, क्योंकि 1:1 का बोनस इशू है, तो यहां पर आपका शेयर हो जाएगा 40,000 का। और 40,000 का होने का क्या मतलब है? आपको कितना फायदा हुआ? तो जी नया जो शेयर फ्री में मिला उस पर तो आपने 40,000 का फायदा कमा लिया, पर एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू थी कितनी? 80, जो अब कितनी हो गई? 40, तो उस पर नुकसान कितना हो गया? 40। तो ध्यान रखना आपकी वेल्थ कभी भी नहीं बढ़ती।